अच्छा जी, मार्लोस कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, इसको आज देख लेते हैं आज हम कि मार्लो की क्या कंट्रीब्यूशन थी. बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनका एक सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उसमें आपके जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको सेपरेटली नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. उसमें ये जो हम कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे या एजेस पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. इसलिए सेपरेटली उस सब्जेक्ट को सिर्फ हम वो सब क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि रह जाएंगे. और यहाँ से ये जो मार्लोस कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है, ये आप लोगों की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी की बात नहीं करी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, उनको मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जो है उनके पास्ट पेपर्स में आता है, रिपीटेटिवली आता है. दूसरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बेटा, ये जो मार्लो है ना, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है. तो आपको पहले इस पोइट के बारे में और इस ऑथर के बारे में पता होना चाहिए. राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन मार्लोस जीनियस एज प्ले राइट. मार्लो इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी. बिफोर हिम द ड्रामा वॉज मेरली एन एक्सरसाइज ऑफ थियोलॉजिकल डिसिप्लिन. और उससे पहले जो है ड्रामा जो है वो जस्ट क्या था, एक्सरसाइज ऑफ थियोलॉजिकल. थियोलॉजी किसे कहते हैं, रिलीजियन को कहते हैं. तो वो सिर्फ जो है थियोलॉजिकल यानी कि रिलीजियस रूल्स एंड लॉज पे बने हुए होते थे. इट वाज ही हु गिव द प्रॉपर डिग्निटी एंड ग्रैंडियर ऑफ अ ट्रेजेडी टू इंग्लिश प्लेस, स्वैनबर्न सेज. बिफोर हिम देयर वाज नाइदर जेन्युइन ब्लैंक वर्ड्स नॉर जेन्युइन ट्रेजेडी इन आवर लैंग्वेज. वो कहते हैं ना तो हमारे जो मार्लो से पहले ना तो इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश ना तो कोई ब्लैंक वर्ड्स थी ना ही कोई जेन्युइन ट्रेजेडी थी. यानी कि पहले जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी वो बादशाह और मलका के मतलब एक लेवल पे जाके लिखी जाती थी, जो कि एक आम इंसान की कहानी नहीं थी. पूरे मुल्क में बादशाह और मलका तो एक, बादशाह भी एक होता है और मलका भी एक ही होती है, लेकिन किसी ने इतने लोअर लेवल पे आके एक आम इंसान की कहानी, अगर किसी ने जेन्युइन ट्रेजेडी लिखी है तो वो मार्लो ने लिखी है. After his arrival, the way was prepared, the parts were made straight for Shakespeare. और उसके arrival के बाद जो है ये जो way was prepared, ये रास्ते यानी कि genuine tragedy और blank verse जो है वो लिखी गई, parts were made straight for Shakespeare. और ये भी कहा जाता है if there is no Marlowe, there would be no Shakespeare. कि अगर Marlowe ना होता तो Shakespeare भी ना होता. Marlowe made his tragedy significant due to its newness, Renaissance influence, Machiavellian morality, powerful and passionate expression, and element of tragic inner conflict. Tragic hero, popular literary type, high seriousness, bombastic language, and the use of blank verse. Marlowe ने अपनी tragedy को significant बनाया उसकी newness की वजह से, उसका जो Renaissance influence, Renaissance यानी कि new man की वो बात करता है, कि knowledge रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुई थी, ठीक है, Renaissance के अंदर, Renaissance एज के अंदर. और उसके बाद Renaissance जो है वो मैंने आपको बताया था, Renaissance में आपने हमेशा याद रखना है इस एज के बारे में, क्योंकि ये वो एज है Renaissance जो बार बार आपके सारी की सारी किताबों में बार बार रिपीट होनी है. दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर ब्यूटी इवन. और इंसान की एपिकरस नेचर, के इंसान जो है वो प्लेजर सीकर हो गया था, क्योंकि उसके सामने इतने सारे दरवाजे खुल गए थे, इतनी सारी चीजों के डिफरेंट जो शहर थे वो डिस्कवर हो गए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेजेस डिस्कवर हो गए थे. आप देखें दिन ब दिन अभी भी सब्जेक्ट्स कितने हो गए, इतने सब्जेक्ट्स हो गए हैं कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा जो है सब्जेक्ट चूज करें. फिर इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, और उसके साथ साथ एक मटेरियलिस्टिक, ये जो रेनेसेंस है इसके बाद जो है फिर वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके बाद स्टार्ट हुई थी, जब नॉलेज की भरमार हो गई थी. तो एंड एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिक इनर कॉन्फ्लिक्ट, और एलिमेंट ऑफ ट्रेजिक इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कि इंसान जो है ना अच्छाई और बुराई के दरमियान जो है वो फंस के रह जाता है. ट्रेजिक हीरो, पॉपुलर लिटरेरी टाइप, हाई सीरियसनेस, बम्बास्टिक लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स. Marlowe, under the influence of great Italian tragedies of Seneca, introduced the Senecan characteristics such as long sententious speeches, lack of action, talkative boast, and horrible scenes of gruesome murders. Marlowe, jo hai, under the influence of
ग्रेट इटालियन ट्रेजेडी. अब यहाँ पे इटालियन वर्ड क्यों आ रहा है, क्या इटालियन से क्या रिलेट कर रहा है? एनीवन? व्हाई इटालियन? कोई और सुनने बात है? मार्लो भी तो ये इसके जिसने भी जो है ना वो उसका कोई मुझे वो इसे याद नहीं है, वहाँ ये विजिट गया था और उनकी इसने भी पोएट्री वगैरह पढ़ी थी, तो ये सैनिका से भी जो है ना थोड़ा हुआ था इम्प्रेस. एनीवन एल्स? रेनेसांस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कौन सी सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था बेटा? रेनेसांस कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था? 15th सेंचुरी में मैम. और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली, इटालियन, 1564 इटली से स्टार्ट हुआ था ना? इटली और जर्मनी से स्टार्ट हुआ था ना? यस जी हाँ, वेरी फर्स्ट इटली से स्टार्ट हुआ था मैम. हाँ जी, तो फिर का ट्रांसलेशंस कहाँ से ली थी इन्होंने उस वक्त की वो जो थी? पहले इटली में आ गया था, बाद में इधर. हाँ जी, हाँ जी, सही. ये गैलेक्सी A8 कौन है भाई? इटली वाली? अनीला. अनीला, ठीक है बेटा. रेनेसेंस जो है ना वो इटली और फ्रांस से स्टार्ट हुआ था, 15th एंड 16th सेंचुरी, ये याद रखिएगा. उस वक्त की जो हकूमत, जो कहते हैं ना जैसे आजकल इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, उस वक्त की जो इंटरनेशनल लैंग्वेज थी ना वो फ्रेंच थी, ठीक है. लैटिन नहीं पढ़ी जाती थी उस वक्त. वो देखे ना हमने वो मैडम एग्लेंटाइन पढ़ा था, प्रायरस का कैरेक्टर पढ़ा था चौसर में, और वो क्या बोलने की कोशिश करती थी? फ्रेंच बोलने की कोशिश करती थी. तो उस दौर के अंदर बहुत सारी किताबें थी जो इटली की जो है, क्योंकि अब देखे ना हम क्या करते हैं, इंग्लिश बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करके हमारे बच्चों का जो कोर्स है वो सारी इंग्लिश ट्रांसलेटेड बुक्स ही तो हैं, क्योंकि इंग्लिश इस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको एक आइडियलाइज किया जाता है उनके लिटरेचर को, उनकी किताबों को. तो दैट्स वाई एट दैट टाइम फ्रांस और इटली से ये स्टार्ट हुआ था, और इतनी ज्यादा किताबें जो हैं इंग्लैंड में ट्रांसलेट हुई थी. चौसर भी तो इटली ही गया था ना, और वहीं से उसने सेम इज द केस विद वाइट एंड सरे, वो भी रेनेसांस. मैम ही आल्सो, सॉरी मैम, ही आल्सो इंस्पिरेशन फ्रॉम मेकावली एंड ही इज आल्सो फ्रॉम द इटली. नहीं नहीं मैकेविलियन से तो इंस्पायर नहीं था वो चौसर, लेकिन मैकेविलियन तो बाद. नो नो मैम, फर्स्ट ये मार्लो. मार्लो, हाँ मार्लो जो है वो मैकेविली फिलोसोफर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, तो इस वजह से उसने वर्ल्डली विजडम का एक कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है. तो ये चीजें बेटा आपको याद होनी चाहिए कि एट दैट टाइम इतना ज्यादा उन्होंने ट्रांसलेट कर लिया था किताबों को, कि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन गया था, और पूरी दुनिया के अंदर रीबर्थ हुई थी नॉलेज की. ग्रीक नॉलेज जो है, ग्रीक आर्ट जो है वो फिर से डिस्कवर हुआ था. अरिस्टोटल की वो जो BC, आपको पता है बिफोर क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट से भी पहले का है अरिस्टोटल, उसकी सोफोक्लीस जो है उसकी किताबें जो आपने अभी ईडिपस रेक्स पढ़ा है, जो कि पता नहीं कौन से BC का एक जो है पोएट था, उसकी किताबें भी ट्रांसलेट की गई. हालांकि ये तो ग्रीक में लिखी गई थी लेकिन इनको ट्रांसलेट किया गया था. तो इसलिए रेनेसां के 3 हमने कल पढ़े थे कि रेनेसां को अगर हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करें तो फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ ट्रांसलेशन हुई थी, नेक्स्ट सेक्शन में क्योंकि इल्म की भरमार हो गई थी तो दरमियान का जो ईयर्स गुजरे उसमें जो है डिस्कवरीज हुई थी, और थर्ड में जाके ये लस्ट ऑफ नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, ये सारी चीजें देखी गई थी, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ था रेनेसां के जो शुरू के ईयर्स थे, अगर रेनेसां को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो रेनेसां के शुरू के दिनों में ट्रांसलेशंस हुई थी, रेनेसां के दरमियान के हिस्सों में एक्सप्लोरेशन हुई थी, डिस्कवरीज हुई थी, डिफरेंट किस्म के इल्म और फन जो है वो डिस्कवर हुए थे, एंड एट द एंड जब इंसान के पास नॉलेज की भरमार हो गई तो फिर क्या हुआ कि लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर डिस्कवरी, लस्ट फॉर वेल्थ, लस्ट फॉर अथॉरिटी, ये सारी चीजें देखी गई. मार्लो की ये जो डॉक्टर पोस्टस है ना, ये लास्ट ईरा जो है, आखिरी जो पार्ट उसका गुजरा रेनेसां का, ये उस दौर की कहानी है, ठीक है. तो मार्लो उस ईरा को जो है वो मतलब शो करता है. मार्लो इन्फ्लुएंस, मार्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेट इटालियन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका इंट्रोड्यूस द सेनेकन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लॉन्ग
sententious speeches, lack of action, talkative ghost and horrible scenes of gruesome murders. और क्या हुआ था कि मार्लो जो है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेट इटालियन ट्रेजेडीज ऑफ सेनेका, ठीक है, उसने सेनेकन ट्रेजेडीज को भी जो है फॉलो किया था. उसने इंट्रोड्यूस किया सेनेकन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उसने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके जो भी उसकी क्वालिटीज थी, जैसे लॉन्ग सेंटेंशियस स्पीचेस थी, लैक ऑफ एक्शन था, टॉकेटिव गोस्ट उसने दिखाए थे और हॉरिबल सीन्स ऑफ ग्रूसम मर्डर्स भी दिखाए थे, जिसको हम रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जैसे अभी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी को मैंने हैमलेट पढ़ाया था ना शेक्सपियर का, तो उसमें थी ये सारी चीजें, सेनेकन ट्रेजेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और जिसको हम रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मार्लो इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजिक हीरो, ठीक है, एक न्यू काइंड ऑफ ट्रेजिक हीरो उसने यहाँ पे शो किया. मार्लो ब्रोक अवे फ्रॉम द मिडीवल कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडी, उसने मिडीवल कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेजेडीज को ब्रेक किया एंड इन्वॉल्व अ रियल ट्रेजिक हीरो. मिडीवल को छोड़ के एक रियल ट्रेजिक हीरो की बात की. अनलाइक मिडीवल प्रिंसली और कॉन्स्पिशियस हीरो, मार्लोवियन हीरोज आर कॉमन पर्सन विद हम्बल परसेंटेज, बट दे आर एंडोर्ड विद ग्रेट हीरोइक क्वालिटी. मिडीवल में जो हम सिर्फ प्रिंस और कॉन्स्पिशियस हीरोज की बात करते थे, वेल ऑनर्ड हीरोज की बात करते थे, मार्लो के जो हीरो थे वो कॉमन पर्सन थे, ठीक है, जो कि ग्रेट हीरोइक क्वालिटीज जो है वो एंडो करते थे. ही पिक्स अप डे टू डे थीम्स एंड इन अकॉर्डेंस टू दीज थीम्स ही सेलेक्ट्स कॉमन प्लेस पर्संस एट एज हिज हीरोज. हाउएवर दीज पर्संस आर डिस्टिंक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल क्वालिटीज. As Barbaraz is an ordinary money lender, Cumberland is Shepherd. देखिए आम इंसान की उसने ट्रेजेडीज बयान की थी, जिसमें Barbaraz था, Barbaraz था. चलिए जनाब, अगर मार्लो ना होता आज भी हम जो है ना वो प्रिंस और प्रिंसेसेस की कहानियां पढ़ रहे होते. शुक्र है उसने जो है आम इंसान की बात की थी. एक मनी लेंडर की कहानी लिखी थी Cumberland, जो कि एक शेफर्ड की कहानी थी, जबकि डॉक्टर फॉस्टस एक ऑर्डनरी स्कॉलर था रिलीजन का, उसकी उसने कहानी लिखी. Hence Marlowe makes his tragedies the story of everyone. इस वजह से Marlowe ने जो tragedies लिखी वो story थी हर इंसान की. Marlowe's heroes struggle against the hostile forces. Marlowe के जो heroes हैं वो struggle करते हैं against the hostile forces. ये जो hostile forces यानी कि ये दुनिया के अंदर जितनी भी forces हैं जो कि इंसान के खिलाफ काम करती हैं, उनको कहा जाता है, जिसमें fate होती है, आपके इर्द-गिर्द के circumstances होते हैं, आपके अपने inner conflicts होते हैं, good and evil angels होते हैं. As a critic says, Marlowe's heroes reflect the struggle of a brave soul. ठीक है, Marlowe के जो hero हैं, वो struggle show करते हैं एक brave soul की. His protagonists have a towering personality who play the most dominant role, rising head and shoulders high above all the minor and attain a titanic stature of a superman size. They are like Gulliver among the Lilliputians. ठीक है, ये जो है Gulliver है among the Lilliputians. क्या हुआ था Lilliput में? हाँ जी, क्यों कहा गया गया यहाँ पे Gulliver था वो among Lilliputians? किस किस ने prose पढ़ी हुई है? Lilliputians. हाँ जी, anyone? हाँ जी, शायान. मैम, ये मैंने अपने बच्चों के मैं स्कूल की बुक में पढ़ा था Gulliver का, कि मैम ये एक जाइंट होता है, मैम ये शिप रेक हो जाती है इसकी, और ये मैम आइलैंड पे आ जाते हैं, बोने होते हैं इसको लिलीपुट्स कहते हैं, और ये जो है ना अपने उसको बादशाह को बताते हैं कि हमारे आइलैंड पे ना एक जाइंट आ गया, और छोटे छोटे बोनों की दुनिया होती है. अच्छा जी, लिलीपुट उसको इसलिए कहा गया, देखिए Gulliver एक लैंड, Gulliver एक लैंड पे जाता है, वहां पे Gulliver खुद जाइंट होता है और लिलीपुटियंस छोटे छोटे बोने होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे उसको कहा गया है कि उसके जो प्रोटेगनिस्ट थे, उसके जो हीरो थे, उसकी एक टॉवरिंग पर्सनैलिटी थी जो कि डोमिनेंट रोल प्ले करते थे, राइजिंग हेड एंड शोल्डर्स यानी कि उनके अंदर एक बलबला था, राइजिंग हेड एंड शोल्डर था, हाई अबव द माइनर कैरेक्टर्स, जो माइनर कैरेक्टर्स से बहुत आगे थे, और वो एक अटेन करते थे टाइटैनिक स्ट्रेचर ऑफ अ सुपरमैन, और वो बिल्कुल इस तरह थे जैसे Gulliver अमोंग द लिलीपुटियन. And other great contribution to Marlowe is that he introduced the element of powerful passion and ambition in his heroes. For a core great contribution of Marlowe kya thi ki wo introduce karta hai element of powerful passion aur ambition apne heroes mein. Marlowian heroes are ambitious and passionate men with their great but limited capabilities.
उसके भी हीरोज जो हैं मार्लोवियन हीरोज जो हैं वो भी एम्बिशियस भी थे, पैशनेट भी थे, लेकिन लिमिटेड कैपेबिलिटीज की तरह. जो इंसान है उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती है, वो सुपरमैन नहीं बन सकता. दे वॉन्ट टू फ्लाई हाई अबव द स्काई, ठीक है, एज मार्लो सेज अबाउट फॉस्टर. मार्लो के जो हीरो थे ना वो फ्लाई अबव द स्काई, ठीक है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं. बेटा जब इंसान के पैशंस बड़े बड़े होते हैं ना तो वो आसमान से भी कहीं आगे जो है सोचता है. एज मार्लो सेज अबाउट फॉस्टर, हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट अबव हिज रीच. उसके जो वैक्सन विंग्स थे वो अबव हिज रीच, माउंट अबव हिज रीच, उसकी रीच से भी, उसकी कैपेबिलिटी से आगे जो है वो माउंट कर गए थे. And again he says, all things that move between the quiet poles shall add be my command. उसका तकबूर इतना बढ़ गया था, उसके passions उसको इतना आगे ले गए थे कि उसने यहाँ तक कह दिया कि कायनात की ये जो दो poles है ना, south pole and north pole, इसके दरमियान आपने map देखा ना, map के दो ही poles होते हैं. वो कहता है कि दो quiet poles है ना equator के, ठीक है, ये इसके दरमियान जितनी भी चीजें वो मेरी है. और ये सेंस ऑफ अथॉरिटी हर इंसान के अंदर होती है. बच्चा जब पैदा होता है ना, मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, वो यही शो कर रहा होता है कि सारी चीजें मेरी हैं. आप उसके हाथ में पैसे पकड़ाएं, वो ऐसे जोर से ग्रिप कर लेता है हर चीज, वो कहता नहीं मेरी है. तो ये सेंस ऑफ अथॉरिटी हर इंसान के अंदर होता है, होती है कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे झुक के सलाम करें, सब कुछ मेरा हो, ये सारी दौलत मेरी हो. तो ये सारा कुछ दैट इज बेसिकली, उसने भी यही बात कर दी थी. इतना तकब्बुर में वो आगे चला गया था कि उसने कहा ये कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब मेरी है. जब उसके पास पावर्स आ गई थी ना, इवल पावर्स आ गई थी, देयर पैशंस अर्ज देम टू अंडरटेक माइटी एक्शन. उसके जो हीरो हैं उनके जो उसके हीरो के जो पैशंस हैं वो उनको अर्ज करते हैं, उनको मजबूर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो माइटी एक्शंस करें. ठीक है, हमारे भी बाज़ औक़ात पैशंस जो हैं वो हमें आउट ऑफ द वे जाके मजबूर करते हैं कि हम बस कुछ कर जाए, है ना. ऐसे ही है, इवन दे वायलेट ऑल द एक्सेप्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड मोरल कोड्स. यहाँ तक कि लोग अपने पैशंस के पीछे, हीरोज उसके अपने पैशंस के पीछे वायलेट करते थे ऑल द एक्सेप्टेड एंड एस्टैब्लिश्ड मोरल कोड्स. तमाम एक्सेप्टेड और एस्टैब्लिश्ड जो सोसाइटी में एक मोरल कोड एस्टैब्लिश हो जाता है बेटा, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है. लेकिन उन्होंने वो सारे नॉर्म्स, और इंसान जब पैशन के पीछे अंधा हो जाता है ना, फिर वो नहीं देखता कि मेरी वजह से कितनों को नुकसान हो रहा है और मेरा आगे जाके कितना नुकसान हो जाता है. तो पैशन के पीछे इंसान अंधा हो जाए ना, तो बेटा वो कुछ भी करने, फिर वो वाकई अंधा हो जाता है, ठीक है. तो दे आर टेरिबली इंक्लाइंड टू देयर पैशन एंड एम्बिशंस. तो वो टेरिबली इंक्लाइंड थे, बहुत ही झुके हुए थे, वो अपने पैशन और एम्बिशंस के गुलाम थे. As Dr. Foster's want to attain the highest power of omnipotence, और जैसे कि Dr. Foster's जो है वो attain करता है high power of omnipotence को. अब आप देखें ना, हमारे ambitions को कितना ज़्यादा वो grow किया जाता है हमारी society के अंदर through passions को भी, और ये सारी चीज़ें हमें कभी किसी ने नहीं बताया. ये मैंने English literature में आके पढ़ा, अच्छा passions भी बुरे होते हैं, passions की वजह से भी इंसान का नुकसान हो जाता है. अदरवाइज जो किताबें पढ़ी, जो एसेज हम लिखते थे, माय एम्बिशन इन लाइफ, ठीक है, उसमें कभी सोचा ही नहीं कि एम्बिशंस भी बुरे हो सकते हैं, पैशंस भी बुरे हो सकते हैं. और पैशंस अगर लिमिटेड ना हो या आउट ऑफ द वे और सोशल नॉर्म्स एंड कोड्स के हिसाब से ना हो तो हमारा नुकसान भी हो सकता है. ये चीज़ कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन लिटरेचर ने ये चीज़ मुझे सिखाई कि नहीं, ये देखो ये इस तरह से भी होता है. तो फॉस्टर्स भी वो अटेन करना चाहता था वो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑमनीपोटेंस. ही सेज डिविनिटी एड्यू दिस मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली. वो कहता है कि ये डिविनिटी एड्यू, कि भाई मैं ये माबूदियत इख्तियार नहीं कर सकता, यानी कि मैं अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता. उसको वो गुड बाय कर देता. हम क्या करते हैं, हम नमाज छोड़ के दुनिया के पीछे लग जाते हैं. हम भी कहते हैं डिविनिटी एड्यू, ये बाद में कर लेंगे जब बूढ़े हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह ताला शायद तौफीक दे देगा नमाज पढ़ने की. अभी तो हम दुनिया जी लें ना, पैसा इकट्ठा कर लें, स्टेटस बना लें, आगे जाके बच्चों के भी तो काम आना है. तो दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस एंड नेक्रोमेंटिक बुक्स आर हेवनली. तो ये मेटाफिजिक्स और मैजिशियन
मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियन और नेक्रोमेंस नेक्रोमेंटिक के जो काले जादू की किताबें थी ये सब उसको हेवनली नजर आने लगेंगी। जब इंसान का पैशन ही ऐसा हो जाता है ना दुनिया ही दुनिया, तो आपको दुनिया वाकई हेवनली लगती है। इंसान नहीं मानता कोई जन्नत भी कोई चीज है, गॉड भी कोई चीज है, अल्लाह भी कोई चीज है, ठीक है, इबादत भी कोई चीज है। इंसान फिर ये सारी चीजें एक साइड पे रख के सिर्फ दुनिया का हो जाता है। Again he says, a sound magician is a mighty god. और फिर वो कहता है कि एक sound magician जो है वो एक mighty god है. Here, कि एक sound magician is mighty god. ठीक है, हम भी नफ्स के ही गुलाम होते हैं, हम भी जो है हमारी भी epicurious nature ही है. तो here Faustus tired his brain to gain a deity. वो कहता है कि यहाँ पे Faustus जो है एक deity को gain करने के लिए, किसको, एक साउंड मैजिशियन जैसी डाइटी को गेन करने के लिए अपने ब्रेन को टायर कर रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है। एंड अदर ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू मार्लो इज दैट ही इंटीरियराइज द ड्रामा एंड इंट्रोड्यूस्ड द एलिमेंट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट इन हिज लाइफ। अच्छा, एक और ग्रेट कंट्रीब्यूशन, पहली कंट्रीब्यूशन क्या थी, उसने आम इंसान की बात की थी जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। अच्छा, दूसरा उसने ट्रेजेडी आउटर नहीं दिखाई, उसने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की ट्रेजेडी दिखाई कि इंसान जब भी कोई कदम उठाता है तो उसके दिमाग के अंदर क्या कहानी चल रही होती है। उसने उस उन थॉट्स के ऊपर जो उन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसने इंटीरियराइज्ड किया ड्रामा को, यानी कि इंसान के अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं उसने उसको बयान किया और उसने इंट्रोड्यूस किया एलिमेंट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट इन द हीरो। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ होते हैं, आपके ब्रेन में होते हैं। ग्रीक ट्रेजेडीज एंड प्री एलिजाबेथन ड्रामा फोकस एट आउटर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोटैगनिस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर और डेस्टिनी। अब हमने इससे पहले जितनी भी ग्रीक ट्रेजेडीज पढ़ी हैं या प्री एलिजाबेथन ड्रामास पढ़े हैं उसमें क्या था कि हीरो के आउटर सर्कमस्टांसेस दिखाए जाते थे, ठीक है, उसकी डेस्टिनी फेट का रोल दिखाया जाता था। ये तो सारी आउटर चीजें होंगी ना कि उसकी वजह से उस हीरो का डाउनफॉल होता है और वो उसके अगेंस्ट प्ले करते हैं। जैसे हम जब हार जाते हैं हम कहते हैं किस्मत वही नहीं था होता, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर उसने एक ऐसे इंसान की कहानी से सुनाई दिखाई और हमें बताई कि जो कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया था। बट मार्लो इंट्रोड्यूस बोथ इनर एज वेल द आउटर कॉन्फ्लिक्ट इन हिज हीरो। लेकिन मार्लो ने ना सिर्फ इनर भी दिखाया, उसने आउटर भी दिखाया कि इनर और आउटर सर्कमस्टांसेस किस तरह से एक इंसान के माइंड के ऊपर असर करते हैं। द माइंड ऑफ हिज हीरोज आर जनरली टर्न ऑफ बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। उसके ये जो उसके माइंड थे उसके हीरोज के वो टर्न ऑफ थे बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। In the Jew of Malta and Tamburlaine, the conflict is mainly external, but in Dr. Faustus, it is most of time internal. The object of playwright is to delineate the prick of mind of Dr. Faustus. He says, "Eight Faustus till turn to God again." ठीक है, अब उसका prick of mind ये कहता है कि eight Faustus क्या तुम फिर God की तरफ again turn होगे? To God, He loves thee not. वो कहता है to God वो तो तुमसे प्यार नहीं करता. Same is the case with us. अक्सर हमारा जो है ना एक इमोशनल चेंज आता है हमारे अंदर, हम अचानक से पांच वक्त के नमाजी हो जाते हैं, अचानक से दिल करता है कि आप दीनी हो जाएं। बेटा एक चीज याद रखिएगा, ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। ठीक है, इल्म सीखने के बाद जब आप ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, पहले अपनी नमाजों पे, फिर दुआओं पे, फिर कुरान पे, फिर वो आपके अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आएगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन रुक पड़े फिर चल पड़े, फिर रुक पड़े, दुपट्टा पहन लिया दुपट्टा उतार लिया, दुपट्टा पहन लिया दुपट्टा उतार लिया, तो बेटा फिर हिदायत नहीं मिलती। अगर पहन लिया तो फिर पहन लिया, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ग्रेजुअल चेंज इज द इटर्नल चेंज। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज होता है। और दूसरी चीज सब्र व इस्तकामत के बगैर बेटा कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, मासी लग रही हो, ये हो गया, वो हो गया, नेवर बॉदर एनीवन, जस्ट गो अहेड। ठीक है, दीज आर द थिंग। तो सेम इज द केस विद अस के वो कहता है ना ही लव्स दी नॉट, अल्लाह शायद तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। ठीक है, तो इस वजह से इंसान के जहन में भी यही आता है उस वक्त जब वो दुनिया उसको खूबसूरत नजर आ रही होती है ना, उसको यही कह रहा अल्लाह के रास्ते में चले तो पता नहीं क्या हो जाएगा भाई। तो ये सारी चीजें, ये क्या होता है, ये शैतान का बहकावा भी होता है और हमारे नफ्स की अपनी आवाज़ भी होती है।
And other great contribution to Marlowe was the introduction of the popular literary type and the use of blank verse and bombastic language with mighty lines suited to the subject, theme, and hero. A new spirit of poetry was breathed into the artificial and monotonous verse of medieval plays, and this gave a new poetic grandeur to the Renaissance drama. Marlowe also discarded the medieval morality plays, which aimed at inculcating some moral lesson by showing the fall of hero into adversity. Marlowe ने उस medieval morality plays को भी discard कर दिया कि जो कि ये show करते थे end में moral lesson देते थे by showing कि वो hero को की adversity या उसका downfall show करते हुए एक lesson देते थे. Where Marlowean heroes are Machiavellian, लेकिन Marlowean heroes जो थे वो Machiavellian थे, दुनिया के पीछे भागते थे. The very notable feature of Marlowean tragedy is high seriousness and lack of humor and the absence of female characters and his role interest in the main hero with his towering personality. And probably because of these limitations, Marlowe could not succeed in reaching the desired loftiest summits of tragic art. But he was the pioneer, pathfinder, and the morning star of Elizabethan drama and the real grandeur of English tragedy. He proved to be the Columbus of the new literary world. Columbus se discovery start hui thi na, theek hai, to wo new the Columbus of new literary world tha. According to illuminating remarks of Schelling, Marlowe gave drama passion and poetry was his most precious gift. Shakespeare would not have been Shakespeare had Marlowe never written or lived. अब यहाँ भी वो कहता है कि मार्लो ने ड्रामा को पैशन भी गेव द ड्रामा पैशन, ड्रामा को पैशन दिया और पोइट्री को भी, एंड पोइट्री वाज हिज मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट. ठीक है, और पोइट्री उसका मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट था. शेक्सपियर जो है वो शेक्सपियर ना होता अगर मार्लो ने कभी ना अगर कभी लिखा ना होता या वो जिया ना होता. ही माइट नॉट हैव बीन ऑल टुगेदर शेक्सपियर वी नो, और शायद फिर कोई शेक्सपियर भी ना होता जिसको हम जानते हैं. आगे बेटा पॉइंट्स टू रिमेम्बर हैं, इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा एक दफा. अच्छा, दूसरी चीज बेटा, अगर जो आता है ना कि मार्लो का की लिटरेरी टेक्निक्स या स्टाइल ऑफ मार्लोवियन ड्रामास या ऐसा कुछ भी या कंट्रीब्यूशन ही आ जाती है, तो आपका ये बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है. दैट इज मोर देन एनफ. एनी क्वेश्चन क्लास? एक्सक्यूज मी मैम, इसकी मार्लो की तो अगर इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब वो इन्वेंशन ऐसी है कि वो ट्रेजिक हीरो में भी फिट हो रही है, कि वो उसकी डेफिनेशन पे सारी आ रही है. और डॉक्टर फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी अगर हमने डिस्कस करनी हो तो उसमें भी वो उसकी सारी इन्वेंशन हम बता देंगे. और सेम इसी तरह जो है ना डॉक्टर फर्स्ट एज ए ट्रेजिक हीरो, मतलब ये तीन क्वेश्चन कवर कर रही है. अगर हम सिर्फ ये जो बेसिकली तो ये जो पॉइंट्स ऑफ वी पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे हुए ना, इनमें भी ये चीजें हैं. और वैसे भी आपने जो पढ़ाया है तो हर पैरे के स्टार्ट में तकरीबन वो चीजें डिस्कस हो रही हैं. तो टोटल पांच छह चीजें अगर हम वही नोट कर लें तो ये तीन चार क्वेश्चन हमारे इन तीनों से रुका हो जाएंगे. एग्जैक्टली इसमें है ही तीन चार क्वेश्चंस है. मार्लो की कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ ट्रेजिक हीरो है, और डॉक्टर फॉस्टर्स की ट्रेजेडी है. बाकी जो ऊपर नीचे कोई क्वेश्चंस है ना जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट सीन और ये वो और कैरेक्टर ऑफ हेलन ऑफ ट्रॉय, मेफिस्टोफेलीस, ये सारे हम बाद में करेंगे. लेकिन जो हमारे मेन जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो यही है. लेकिन बेटा एक क्वेश्चन आ जाता होता है एग्जाम्स में, वो है ये सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट सीन. तो वो बेटा हम इंशाल्लाह, वो मैंने अलहदा से लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगी तो शेयर कर दूंगी. यहाँ तक बेटा किसी का कोई क्वेश्चन, एनी थिंग जो समझ में आए, कोई चीज जो कन्फ्यूज कर रही हूँ.